गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता मरोड़ा, फोर्थ क्लास नर्सरी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप प्री से रिसीव पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ेंगे ए ए। आज आपने इनको एक साथ पढ़ना है और लिखना है। पहले आप लिखेंगे ए, पहले आपने इस तरह से लाइन खींचनी है, इसी पे इस तरह से आपने लाइन बनानी है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जो मैंने आजकल आप लोगों की नोटबुक देखी है उसमें इस तरह का ए नहीं बनाया है। प्लीज आप इसको इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। पहले आपने एक डंडी खींची, फिर इसी में आपने दूसरी डंडी को इस तरह से ज्वाइंट किया और इसको हल्का सा नीचे की तरफ खींचा और इसको आपने यहाँ पे इस तरह से छोड़ना है। आप लोगों ने क्या कर रखा है अपनी नोटबुक में, इसको यहाँ पर मिला रखा, ये रॉन्ग है, यानी ये गलत है, आपने इसको यहाँ पर टच नहीं करना है। और अब आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐनक, इसको इस तरह से आपने, और जो ये वाला देखा, ये वाली डंडी है, आपने इसकी मात्रा इसी से टच करके ऊपर की तरफ लिखना है, ना कि यहाँ पे लिखना है। आपने इसको यहाँ से इस तरह से लिखना है, ये है आपका ए ए। फिर आपको इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरह से लिखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे और इसी तरह से लिखेंगे। ये है आपका ए और ये है आपका ए। इस मात्रा को आपने यहां तक लाना है और यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आपने क्या कर रखा है, ये जो ए की मात्रा है ये आगे पीछे कर रखी है। अब आप इसको इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर यहाँ पे आपने ये है इस तरह से बनाना है और फिर इसको यहाँ से इस तरह से और हल्का सा यहीं पे आपने ये छोड़ना है, यहाँ पे टच नहीं करना है, क्योंकि मैंने आजकल आप लोगों की नोटबुक चेक की है तो आपने इसको यहाँ तक मिला रखा है। आपकी जो ये मात्रा है आपने यहाँ लगा रखा है, किसी ने यहाँ लगा रखा है, बट आपने ऐसा नहीं करना है। इसी के ऊपर आपने सीधे ये मात्रा लगानी है। ये आपका हुआ ए ए। अब आप इसको देखने होंगे, जब आपने अपना रिटर्न वर्क पूरा करना है तब आपने ये देखा है कि यहाँ पे आपकी दो पिक्चर बनी हुई है। ये है आपका ए से एडी, ऐ से ऐना। अब आपको इसको पढ़ेंगे ए ए ए ए ए ए। अब आप पिक्चर के द्वारा पढ़ेंगे ए से एडी, ए से एडी, ए से एडी, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। इस तरह से आप इसको ध्यान से देखेंगे कि मैंने किस तरह से आपको सिखाया है और किस तरह से मैंने आपको ये बता रखा कि आपने इनको किस तरह से लिखना है। ओके, थैंक यू।